हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकली रिपेयर करके अभी नहीं देखाऊंगा, बट दोस्तों इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच करेगा तो ये वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसी टाइम डिस्कस करूँगा कि चाइना पीसीबी लेके, और चाइना पीसीबी का जो फॉल्ट आता है मेनली ईएसटी सप्लाई ड्रॉप जब हो जाता है तो कौन कौन जिनिस को, कौन कौन मटेरियल को, पार्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस तरह प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा, आपको डिटेल से वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों अधिकतर इसी तरह ही प्रॉब्लम चाइना पीसीबी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो ऊपर से देखेगा तो कि दोस्तों देखिए, ये चाइना पीसीबी का जो मेन पावर सप्लाई, ये जो बॉर्डर देख रहे हो, ये हॉट सेक्शन है, ये जो व्हाइट वाला बॉर्डर है, ठीक है। तो ये सेक्शन का अंदर फॉल्ट हो सकता है, और जो व्हाइट वाला ये बॉर्डर है, बॉर्डर का बाहर जो सेक्शन, इसका अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा तो तब भी ईएसटी सप्लाई ड्रॉप हो सकता है। तो कौन कौन पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा, ऊपर से देखेगा तो दोस्तों ये जो अलग अलग 1, 2, 3, 4 डायोड आप देख रहे हो, तो ये चॉपर से जितना वोल्टेज आउटपुट होता है सभी ये डायोड से निकलता है और ये अलग अलग सेक्शन पर जाता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट जो मेन सप्लाई होता है 110 वोल्ट, उसी सप्लाई को आपको ठीक से रेडी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर होना चाहिए, तब ये पीसीबी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और 110 वोल्ट जो ईएसटी सप्लाई होता है वो ड्रॉप हो जाएगा तो ये पीसीबी काम अच्छा तरह से काम नहीं करेगा, बहुत कुछ सिम्टम मिलता है, ठीक है। तो ये पीसीबी के अंदर यहाँ पर एक जम्पर है, ये जम्पर से 110 वोल्ट जाता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। बहुत पीसीबी के अंदर यहाँ पर जम्पर देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस इस तरह 2 वाट का रेजिस्टेंस दिखा जाता है, जिसका वैल्यू बहुत लो होता है, लो ओम्स होता है, 1 ओम्स, 2 ओम्स, 2.2 ओम्स, 3.3 ओम्स, इस तरह ओम्स होता है। और उसके बाद ये सप्लाई ईएसटी के एक पिन पर आता है, इसी तरह सप्लाई आता है। और दोस्तों ये सप्लाई यहाँ पर आने के बाद ईएसटी का एक पिन से एक सप्लाई, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये पिन पर आता है, ठीक है। और ये पिन पर आने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर एक सप्लाई आता है ये कॉयल से, तो दोस्तों ये जो कॉयल है, यहाँ पर एक सप्लाई जो आता है, ये जो अलग अलग डायोड आप देख रहे हो, ये डायोड के दूसरा नंबर डायोड से, ठीक है। इसका ऊपर डायोड से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, और इसका नीचे डायोड से जो सप्लाई आउटपुट होता है, ये सप्लाई वर्टिकल आईसी पर जाता है, और ये सप्लाई, ये जो डाइवर कॉयल है यहाँ पर, ये इसका एक पिन पर आता है। और दोस्तों आर एक पिन से आउटपुट होने के बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर पर आता है, ठीक है। तो ये जो मेन सप्लाई वोल्टेज ये 2 है, और ये ट्रांजिस्टर तब कम करेगा, ईएसटी तब कम करेगा, और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर तब कम करेगा कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी से एक सिग्नल, एच आउट सिग्नल, जब ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर आता है, और इसका बेस पिन पर आने के बाद ये स्विचिंग होगा, स्विचिंग होने के बाद ये कॉइल से फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा, 15625 जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी ये ट्रांजिस्टर पर आता है, तब ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद तब ईएसटी ऑन होता है, और जब ईएसटी ऑन होगा तब पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट आएगा, पिक्चर सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस को मैं बहुत वीडियो के अंदर क्लियर करके बताया, तो अभी चलिए मैं पीसीबी उल्टा करके आपको इसी टाइम जो दिखाना चाहता हूँ अच्छा करके फॉलो कीजिए। मान लो ईएसटी सप्लाई ड्रॉप है तो किस तरह चेक करना पड़ेगा। तो बहुत न्यू टेक्निशियन ये गलती करता है, हर टाइम बताता है कि सर ईएसटी सप्लाई 10 वोल्ट है, ईएसटी सप्लाई 40 वोल्ट है, ईएसटी सप्लाई 90 वोल्ट है, हो सकता है ईएसटी सप्लाई 110 वोल्ट का ऊपर है। तो किस तरह प्रॉब्लम को सही करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ मेरे न्यू टेक्नीशियन को कि ईएसटी जो सप्लाई लाइन होता है, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पिन चॉपर का नेगेटिव है, दूसरा नंबर पिन दोस्तों ये ईएसटी सप्लाई डायोड, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर आपको 110 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पीसीबी ओके होगा तो दोस्तों पीसीबी ओके होगा, बट ये जो एसी पॉइंट है यहाँ पर एसी वोल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, 110 वोल्ट 10 वोल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, एसी वोल्ट आप चेक करेगा तो, बट डायोड का पॉजिटिव साइड पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। किस टाइम देखने को मिलेगा, जब इसका आउटपुट सेक्शन सब ओके होगा, पावर सेक्शन ओके होगा और ये सब कुछ ओके होगा, ठीक है। तो मान लो ईएसटी सप्लाई ड्रॉप है, कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80, 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो 110 वोल्ट का जगह थोड़ा सा वोल्टेज कम है, मान लो 95 है, 100 है, 100 का थोड़ा सा आसपास वोल्ट है, इस तरह लो वोल्ट अब देखेगा तो फर्स्ट ये जो पीसेट यहाँ पर आया था, ये पीसेट घुमा के आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पीसेट आप देखिए,
ये जो पी सेट है, ये पी सेट आपको घुमा के एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पी सेट जो यहाँ पर है, ये पी सेट को यहाँ से इधर घुमाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। ये पी सेट को यहाँ से इधर घुमाएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो इधर उधर घुमा के, बट थोड़ा सा हल्का घुमा के, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा तो 110 वोल्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पीसीबी का अंदर कुछ कुछ पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करने के बाद 110 वोल्ट का ऊपर भी वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ता है। हो सकता है 115, 117, इसी तरह वोल्टेज भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। किस टाइम ये वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, हो सकता है कि वर्टिकल का जो हाइट होता है वो हाइट का हाइट फुल है, बट थोड़ा सा पिक्चर का साथ जंपिंग कर रहा है, ठीक है। पिक्चर देने के बाद जंपिंग कर रहा है, और हो सकता है कि ऊपर सा थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब डाउन मतलब स्क्रीन फुल है, स्क्रीन फुल का बाद नीचे से हल्का सा लाइनिंग आ रहा है और पिक्चर थोड़ा हिल रहा है, तो उसी का रीजन से 110 वोल्ट लाइन को, ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के आप देख सकते हो, बहुत टाइम वो एडजस्ट हो जाता है, पिक्चर प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। तो उसका बाद 190 वोल्ट का नीचे चला जाएगा तो, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, तब भी आप पीसेट घुमा के एक बार देख सकते हो कि पीसेट घुमाने के बाद वोल्टेज वो थोड़ा बढ़ जाता है कि नहीं, ठीक है। पीसेट काम नहीं का तो काम नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों पीसेट काम नहीं करेगा तो फर्स्ट टाइम ये पीसेट को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पीसेट को चेंज कीजिए, चेंज करने के बाद ये वोल्टेज आप एडजस्ट करने के बाद नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है, और ये जो पीसेट है, पीसेट जो सेक्शन है, ये जो ऑप्टोकॉपलर सेक्शन, इसका अंदर फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये पीसेट पर, यहाँ पर जो लाइनिंग है, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, देखिए 1, 2, 3 तीनों रेजिस्टेंस, ये फीडबैक लाइन है, ये फीडबैक लाइन जो कनेक्शन 110 वोल्ट जो लाइन है इसका साथ कनेक्शन है, ये जो 110 वोल्ट ESD पर जाता है, ESD का ये पिन पर, ये लाइन के साथ ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्शन है, ये रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा तो ये सेक्शन काम नहीं करेगा। और अधिकतर आपको जो देखना पड़ेगा, जो कॉमन होता है, कि यहाँ पर एक जेनर डायड है, ठीक है, 6 वोल्ट का जेनर डायड है, 6.2 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जेनर डायड फॉल्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से इसका ESD जो सप्लाई है ये अधिकतर हाई बन जाता है, ठीक है, 110 वोल्ट का ऊपर चला जाता है, और ये पीसेट तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन को कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, बट ये जेनर डायड अधिक फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये जेनर डायड को चेक करके देखिए, और उसके साथ जो कॉमन फॉल्ट होता है चाइना पीसीबी का पावर सेक्शन का अंदर, ये ऑप्टोकॉपलर का ये साइड एक ट्रांजिस्टर है और ये साइड एक ट्रांजिस्टर है। जिस पीसीबी का अंदर जितना नंबर ट्रांजिस्टर आप देखेगा तो वही सेम नंबर एट ए टाइम ये तीनों पार्ट्स को आप चेंज कर दीजिए, करने के बाद अधिक टाइम फॉल्ट रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और ये पावर सेक्शन के ऊपर मैं डिटेल्स बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है, पावर सेक्शन के अंदर कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो जाएगा तो ये ESD सप्लाई हाई और लो मानता है, ठीक है। बट दोस्तों इसका जो नॉर्मल जो कॉमन फॉल्ट है, ये मेन ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो आप ये जो फ्यूज़ है AC लाइन का अंदर फ्यूज़, अब जितना बार लगाएगा साथ साथ शॉर्ट हो जाएगा, सीरीज लाइन से टेस्ट करेगा तो सीरीज लाइन फुल ग्लो हो जाएगा। और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बाद आप न्यू ट्रांजिस्टर लगाएगा और उसका बाद फिर भी शॉर्ट हो जाएगा तो उसका भी और एक रीजन हो सकता है कि ये पावर सेक्शन के अंदर और एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है। ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा, अब जितना बार ये ट्रांजिस्टर लगाओगे तो ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कॉमन सब कॉमन फॉल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अंदर छोटे छोटे जितना भी पार्ट्स है, ये फॉल्ट हो जाएगा तो ये पार्ट सेक्शन का वोल्टेज हाई और लो हो सकता है, ठीक है। तो ये ESD सप्लाई लोअर हाई के बारे में आपको ये थोड़ा इसका सेक्शन का अंदर आपको बात करूँगा, और उसके बाद आपको मेनली जो देखना पड़ेगा, जिस तरह चेक करना पड़ेगा ESD सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा तो, कि ESD सप्लाई ड्रॉप जब हो जाएगा आप फर्स्ट ये चेक कीजिए नॉर्मल तरीका से पीसेट घुमाने के बाद, और उसका बाद आपको देखना पड़ेगा ESD जो सप्लाई रेजिस्टेंस है, हो सकता है जम्पर ये लाइन को आपको ओपन कराना पड़ेगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को पूरा ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक 110 वोल्ट, ठीक है, लैम्प लोड लैम्प, उसको डेमी लोड कहा जाता है, वो लैम्प लगा के आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लैम्प कौन पॉइंट पर लगाना पड़ेगा, आपको ये जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड का पास ही दोस्तों देखिए कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव पर आपको लैम्प लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर का ये जो नेगेटिव है, यहाँ पर एक वायर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक वायर लगाना पड़ेगा, मतलब जो डेमी लोड होता है 10 वाट का, ठीक है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, 10 वाट का लैम्प, ठीक है। तो कुछ भी LED लैम्प नहीं है, है जिस लैम्प AC 220 वोल्ट का लैम्प होता है वो लैम्प लगा के आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो ये पोजीशन पर 100
वार्ड लैम्प लगाने का बाद और ईएसटी सप्लाई ओपन करने के बाद 110 वोल्ट यहाँ पर सही मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट पुट ओके है। ये लाइन ओपन करने के बाद 110 वोल्ट ओके मिलेगा, तो लैम्प लगाने के बाद ये सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन फॉल्ट है। आउटपुट सेक्शन फॉल्ट का मतलब क्या है कि ईएसटी सेक्शन का फॉल्ट है। तो ईएसटी सेक्शन फॉल्ट का मतलब क्या है कि ये जो सप्लाई यहाँ पर इन होता है और यहाँ से आउट होता है और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है और ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन के अंदर एक बूस्ट पीएफ रहता है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। अलग अलग पीएफ पीसीबी के अंदर यहाँ पर 2-3-4 पीएफ दिखा जाता है, तो कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है जो जो पार्ट्स नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है, ईएसटी का ये जो नेगेटिव है इसका साथ जितना पार्ट्स ये लाइन का साथ कनेक्शन देखने को मिलेगा कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अब मीटर लेके क्वांटिटी टेस्ट करेगा तो ये ईएसटी सप्लाई का साथ नेगेटिव का तो शॉर्टिंग बताएगा, तो आप ज़रूर ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए और इसका अंदर बूस्ट पीएफ ये सब पीएफ को चेक कीजिए और उसका बाद शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलेगा तो ये ईएसटी को आप ओपन करके चेक कीजिए, क्योंकि ईएसटी का नेगेटिव पिन का साथ ये सप्लाई पिन शॉर्ट हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली देखा बहुत टाइम काम करने का समय, तो ईएसटी शॉर्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, पीएफ शॉर्ट हो सकता है, ये आपको पूरा क्लियर करके बताता है। इसी तरह फॉल्ट अधिक होता है और उसका बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत न्यू टेक्नीशियन को ध्यान नहीं जाता है कि ये जो सप्लाई ओपन करने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये कैपेसिटर खुद शॉर्ट हो सकता है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और नेगेटिव का साथ शॉर्टिंग भी बताता है। हो सकता है नेगेटिव का साथ शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, हो सकता है नेगेटिव का साथ ये सप्लाई लाइन शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, तो उसी का बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। उसी का रीजन, उसका जो रीजन होता है कि दोस्तों लोड का बजाय कि ये कैपेसिटर वीक, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन से हो सकता है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर आप देख सकते हो, तो ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर जब वीक हो जाएगा 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ईएसटी सप्लाई कनेक्शन करने के बाद। बट दोस्तों यही जो रीजन आपको बताना चाहता हूँ कि आप 100 वाट बल्ब लगा के यहाँ पर टेस्ट करेगा तो ये कैपेसिटर होगा ओके होगा तो यहाँ पर 110 वोल्ट जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सेक्शन सब ओके होगा तो, और ये कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो तब भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो इसीलिए ये 110 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं इसी तरह सेम दो कैपेसिटर यहाँ पर है, ये दो कैपेसिटर को आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो सेम नंबर का सेम वैल्यू का कैपेसिटर है, बहुत पीसीबी के अंदर यहाँ पर 47, ठीक है, 47 माइक्रोफेराड दो कैपेसिटर रहता है जिसका वैल्यू 160 वोल्ट का, ठीक है, 160 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है, ठीक है। और ये लाइन के अंदर एक कैपेसिटर भी देख सकते हो जिसका वैल्यू हो जाएगा 100 माइक्रोफेराड, 160 वोल्ट का, ठीक है, एक कैपेसिटर भी हो सकता है। तो कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। हो सकता है बीएसटी सप्लाई ओपन किया, उसका बाद सप्लाई देख के चेक किया कि यहाँ पर 110 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 110 वोल्ट मिल रहा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेक्शन ओके है कि दोस्तों उसी का जो, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि 110 वोल्ट मिल सकता है ये अनलोड कंडीशन पर। बट दोस्तों अनलोड कंडीशन पर 110 वोल्ट मिलेगा और जब 100 वाट बल्ब यहाँ पर लगाएगा और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो दोस्तों उसका मतलब कि ये पावर सेक्शन का ही फॉल्ट है। अधिकतर जो देखा मैं प्रैक्टिकली कि ये पावर सेक्शन का अंदर फॉल्ट है। आपको ये फॉल्ट, ये सब जेनर डाट को चेक करना पड़ेगा, एसटीआर सेट होगा तो एसटीआर को चेंज करके देखना पड़ेगा और रेजिस्टेंस कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। तो शॉर्टकट तरीका जो है आप मॉड्यूलर लगा के भी ये सेट को ऑन कर सकते हो, इसी तरह फॉल्ट होगा तो, ठीक है। मान लो 110 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ये डैमी लोड ओपन करके, मतलब अब 100 बल्ब नहीं लगाया और सप्लाई देके देखा कि 100 वोल्ट ओके है और जब मैं डेमी लोड लगाया, बल्ब लगाया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो अब मॉड्यूलर लगा के सेट को रेडी कर सकते हो। इसी का ये जो पावर सेक्शन का फॉल्ट वो अधिक होता है, ठीक है। और दोस्तों चलिए आपको और जो ध्यान रखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो टेक्नीशियन न्यू टेक्नीशियन ध्यान नहीं देता है कि मान लो 110 वोल्ट बल्ब लगाने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ईएसटी सप्लाई लगाने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसी का जो रीजन है ये पावर सेक्शन का फॉल्ट है और
ये जो सप्लाई लाइन है, ये जो आपको बात है, आप वर्टिकल सेक्शन को सप्लाई देता है, ये ड्राइवर पर सप्लाई जाता है, तो ये सप्लाई लाइन डायोड, ये सप्लाई लाइन डायोड फॉल्ट हो जाएगा तो, डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो, ठीक है, ये डायोड शॉर्ट होने का रीजन से भी हो सकता है। डायोड शॉर्ट आप मीटर से चेक कर सकते हो। और ये जो वर्टिकल आइस है, ये वर्टिकल आइस खुद शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ये जो पिन है, ये पिन का साथ ये पिन कनेक्शन है, इसका इंटरनल जॉइंट है, ठीक है, ये वोल्ट ड्रॉप होने का रीजन से 110 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्टिकल आईसी ओपन करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये पिन कनेक्शन ओपन करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो सप्लाई लाइन का बीच में रेजिस्टेंस हो सकता है, जम्पर ये जो जा रहा है, ये जम्पर और रेजिस्टेंस को ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो रीजन है। और एक रीजन है कि ये जो सप्लाई जा रहा है ये कॉइल पर, ड्राइवर कॉइल पर, ये ड्राइवर कॉइल का साथ एक ये जो ड्राइवर कॉइल है, ये कॉइल का साथ एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो सप्लाई आना चाहिए, बट दोस्तों ईएसटी सप्लाई इतना ड्रॉप नहीं होगा, इसका आउटपुट वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होगा, ठीक है। और मेनली ईएसटी सप्लाई ड्रॉप होने का जो रीज़न आपको इस टाइम बताना चाहता हूँ कि ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, ये डायोड शॉर्ट हो सकता है, और दोस्तों उसके बाद तीन नंबर जो डायोड है ये भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो डायोड है ये रेगुलेटर सेक्शन को सप्लाई देता है, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है, और ये जो रेगुलेटर सेक्शन है 5 वोल्ट 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन, ये दो ट्रांजिस्टर, कुछ भी एक ट्रांजिस्टर फुल शॉर्ट हो जाएगा तो वो शॉर्ट होने का रीजन से भी 110 वोल्ट सप्लाई ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ये मेन में रीजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये देखने के बाद जरूर आपको पता चलेगा कि ईएसटी सप्लाई प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये सब चेक करने का जो तरीका है कि आपको फर्स्ट बात है कि ईएसटी सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा, डैमेज लोड लगा के टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये मीटर से आप ये डायोड को एक एक चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अलग अलग डायोड आउटपुट पॉइंट है, ये जो पॉजिटिव साइड है डायोड का, तो इसका ओम्स मतलब रीडिंग नेगेटिव के साथ अब मीटर से क्वांटिटी चेक करेगा तो ये नेगेटिव के साथ ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड, ये 1 2 3 4 ये जो क्वांटिटी, ये 400 का ऊपर होना चाहिए, 400 ओम्स, ठीक है, 400 ओम्स का ऊपर होना चाहिए। 400 ओम्स का नीचे जब चला जाएगा तो मतलब वो लाइन का कुछ फॉल्ट है, ठीक है, ये लाइन का डायोड फॉल्ट हो सकता है, ये लाइन का साथ जितना कैपेसिटर है, ठीक है, जितना कैपेसिटर है ये सब फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये लाइन का साथ जो कैपेसिटर रहता है, ये जो लाइन का साथ जो कैपेसिटर, ये कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये कैपेसिटर आपको ओपन करके न्यू लगा के देखना पड़ेगा, और कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो वो लाइन का वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है, जो दोस्तों ऊपर से पता नहीं चलता है। मान लो ये कैपेसिटर वीक हो गया, ये ऊपर से पता नहीं चलेगा, ये कैपेसिटर ओपन करने के बाद खुद इसका नीचे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री में, और वो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूब जैसे सॉरी व्हाट्सअप जैसा टेलीग्राम ग्रुप तो दोस्तों सेम है, बट आपको आपका पास टेलीग्राम ऐप्स नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से फर्स्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।